नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हाउ कैन आई। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको व्हाट्सएप के न्यू अपडेट के बारे में बताऊंगा। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप का न्यू अपडेट आ गया है और वहां पे एक स्टेटस की ऑप्शन आ चुकी है जिसे कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो आज मैं उसके बारे में ही बताऊँगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपसे आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन करना है और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपना व्हाट्सएप ओपन करना होगा। ये हम व्हाट्सएप ओपन किया तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऑप्शन आ गया हमारे पास। तो आपको बताना चाहूँगा, इसमें इस ऑप्शन से आप अपने स्टेटस में वीडियो, ठीक है जी, फ़ोटोज़ एंड GIF अपलोड कर सकते हैं स्टेटस। और आपको बताना चाहूँगा, जो भी आप अपलोड करेंगे वो 24 आवर्स के अंदर डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके लिए अगर आप अपने आप को शो करना चाहते हैं कि आप एक्टिव यूज़र हैं, तो आपको स्टेटस मतलब डालते रहना चाहिए। तो जो भी आप स्टेटस डालेंगे तो वो आपके फ्रेंड्स को शो होगा और उनके पास, या जो आप देख रहे हैं ये माई स्टेटस लिखा है यहाँ पे, जो नीचे जो बने हुए हैं, तो यहाँ पे और आपके फ्रेंड्स के भी स्टेटस आएंगे, तो आपके फ्रेंड्स भी वहाँ पे स्टेटस आपका, जो भी आप, जैसे अगर आपके फ्रेंड अपलोड करेंगे तो आप भी यहाँ पे देख पाएंगे, अगर आप अपलोड करेंगे तो जो आपके फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने आपका नंबर ऐड किया हुआ है, तो उनको भी आपके स्टेटस यहाँ पे शो होंगे उनके फ़ोन में। तो अगर आपको अपलोड करना है कोई स्टेटस, मान लीजिए मेरे को कोई पिक्चर अपलोड करनी है स्टेटस, तो ये देखिए मैंने कैमरा चलाया, क्लिक किया, ये देखिए अब आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। इसे एडिट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है जी, क्रॉप कर लीजिए जैसे मैंने क्रॉप किया। स्माइली डाल सकते हैं, ये स्माइलीज आ गए हैं बहुत सारे, ठीक है जी। लिखना चाहें कुछ लिख सकते हैं, ठीक है जी, जैसे मैं लिख रहा हूँ अपने चैनल का नेम, ठीक है जी, ऐसे आप लिख सकते हैं, अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं, और चाहे पेंसिल की तरह ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है जी, ऐसे आप इसे, और आप चाहें तो इसे अपडेट कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट का। और अब देख लिए ऑप्शन आ रही है कि आप इसे स्टेटस यूज़ करना चाहते हैं या किसी को सेंड करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं किसी को सेंड कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये सेंड कर दिया मैंने, अगर स्टेटस पे लगा तो स्टेटस पे आ जाता, ठीक है जी। तो ये रहा हमारा पहला। अब आए हम अपनी माई स्टेटस की ऑप्शन पर, ये देखिए ये मैंने स्टेटस अपडेट किया था, ठीक है जी, ऐसे ही मैंने इसे सैंपल अपडेट किया था। तो हम इसमें देख सकते हैं कि किसने हमारा स्टेटस देखा। नीचे आई बनी हुई है तो इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए इस बंदे ने मेरा स्टेटस देखा। तो आप चाहें से स्टेटस को डिलीट भी कर सकते हैं, मैंने डिलीट कर दिया, तो चाहें देख भी सकते हैं। मैं आपको आगे का बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आपने कोई पिक अपलोड करनी हो फिर तो आप यहाँ कैमरे से कर ही सकते हो। अगर आपने कोई वीडियो अपलोड करनी हो तो ये बीच में ये राउंड बना हुआ है, इसको आप प्रेस करके रखिए तो ये वीडियो स्टार्ट हो गई है, और मैं इसे छोड़ दूँगा। तो आप चाहें इसको फिर से एडिट कर सकते हैं, कोई भी इमोजीज वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है जी, जैसे ये लगा दिया, बड़ा कर दिया, स्मॉल छोटा कर दिया, ठीक है जी, टेक्स्ट जो भी, मतलब जो अपने फ़ोटोज़ में चेंजेस किए थे इसमें कर सकते हैं, और उस राइट पर क्लिक मारेंगे, और चाहें तो किसी को सेंड भी कर सकते हैं या अपने स्टेटस में लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे मैं अभी किसी को सेंड कर देता हूँ, तो ये इस बंदे को सेंड हुआ सिर्फ, और अगर मैं चाहूँ तो इसे स्टेटस पे भी लगा सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये रही माय स्टेटस पे आते हैं अपने, जैसे कि आप मान लीजिए अब आपके पास स्टेटस बहुत आ रहे हैं, मतलब आपके फ्रेंड चेंज कर रहे हैं और आपको नोटिफिकेशन आ रहे हैं और आप उससे हो रहे हैं तंग, तो आप उसे म्यूट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वही स्टेटस है, इस बंदे से मैं तंग हो गया हूँ, ये बार बार मतलब स्टेटस चेंज कर रहा है, और मैं मुझे चाहूँ म्यूट कर सकता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, फिर म्यूट पे क्लिक कर दूँगा। अब चाहे कितने भी स्टेटस भेजे ये म्यूट हो चुका है, ठीक है जी, आप ऐसे ही इसे अनम्यूट भी कर सकते हैं इस पर ही क्लिक करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये भी फीचर्स बहुत अच्छा है, ये फीचर मेरे अकॉर्डिंग, तो चाहे अगर आप किसी को जो म्यूट करना हो, अगर आप तंग हो जाए तो म्यूट कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप मान लीजिए अगर आपने दो तीन स्टेटस डाल दिए हैं
तो आपका जो स्टेटस है वो कुछ समय पहले वाला शो होगा, उसके तो कुछ सेकंड्स बाद दूसरा शो होने लगेगा, ठीक है जी। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, अगर आप जो रंग बिरंगे बन सकते हैं, अलग अलग स्टेटस डाल सकते हैं, ठीक है जी, और आपके फ्रेंड्स के अपडेट पे आता रहेगा वो। और अगर आप मान लीजिए, अगर आपने कमेंट करना है किसी के स्टेटस पे, मान लीजिए मैं ये स्टेटस ओपन करता हूँ और मेरे को ये पिक पसंद आई है, मैं इसका कमेंट भी कर सकता हूँ नाइस लिख के, तो उस बंदे को सेंड हो जाएगा ये कमेंट। और पर ये मतलब पब्लिकली नहीं जाएगा, सिर्फ उस बंदे को पर्सनल मैसेज में ही जाएगा, ठीक है जी। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है इसका, और मैं आपको बताता हूँ कि तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट आया है व्हाट्सएप का। तो मेरे को जहाँ तक मेरे को लगता है आप ये समझ गए होंगे कि आपको ये कैसे यूज़ करना है। और अगर आप चाहें तो अपने स्टेटस की प्राइवेसी भी लगा सकते हैं, जैसे मैं कोई स्टेटस अपडेट कर देता हूँ, मान लीजिए ये ही कर देता हूँ, ये क्या धीरे धीरे मेरे सब फ्रेंड्स को अपडेट हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगर आप चाहें इस पे प्राइवेसी भी लगा सकते हैं कि ये किसके पास जाए, ठीक है जी। माय स्टेटस की प्राइवेसी यूज़ कर सकते हैं, स्टेटस प्राइवेसी, माय कॉन्टैक्ट्स, या माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, मतलब जिसको मर्जी चाहे शेयर भी कर सकते हैं और चाहे अपने कॉन्टैक्ट्स पे भी रख सकते हैं। तो ये पहले से तो माय कॉन्टैक्ट्स पे ही रहेगा, सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स को ही शो होगा, ठीक है जी। तो जहाँ तक मेरे को लगता है आपको ये सारा यूज़ करना आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपका धन्यवाद।